पारुल को मालूम नहीं है, उसके बर्थडे के लिए अपन ने कुछ अलग सरप्राइज प्लान किया इनको बता के होटल वाले को, तो अभी देखते हैं उसका रिएक्शन। पारुल को बताया नहीं था कि केक इनको अरेंज करने के लिए बोला है। ये देखो नीचे व्यू अपना। This is so nice. You can see the pool. Hey guys, let me show you the room. I think this is one of the best rooms that we've stayed in so far. So let me give you a proper tour. Firstly, the finishing of everything is like so good, like right from this mirror. It's so beautiful. It is the first time we've had like a proper walk-in wardrobe thing. Now, my favorite place. The washroom. Obviously, it has a bathtub, and then there are some other pieces here. Your Forest Essential K products planted in the bathroom. But one thing that's unique is that generally hotels don't give bath salt, but this one actually has. Last place, ITC Kohinoor, is where we saw glass bottles, and again, Ritz also has that. Come inside the room. And then there is this really nice and sweet decoration. And then the bed, we haven't tried it yet, but it looks super comfortable. So because we are a Gold Elite member, we did get an upgrade, but the upgrade was to a higher floor. We had booked a golf view, so you can actually see the golf course from here. The view is pretty nice. I don't know if the camera can do justice. And then you can also see the pool and stuff. So pretty excited to explore the property. गाइस पारुल ने इंग्लिश में सब फटाफट समझा दिया पर डिटेल्स दिखाना भूल गई। आओ तुमको एक बहुत भारी चीज दिखाता हूँ। ये नीचे बार तो है ही, इधर ये कॉफी मेकिंग मशीन और ये ड्रॉअर हमने खोल के नहीं देखा था। खोलने पर ये देखो फिनिशिंग क्या अलग नेक्स्ट लेवल की फिनिशिंग है। फर्नीचर की मैंने तो कभी देखा नहीं था पहला। अंदर देखा तो देखो स्पून्स कप वगैरह, इसमें भी छोटे दारू है। मिनी वही मिनिएचर्स। फिर कॉफी वगैरह बनाने के लिए कुछ तो ये अलग नया फैंसी है। अभी हम लोग देखेंगे इसमें बना के एक बार कैसा बनता है। बाकी ये क्या है, ये कोस्टर स्ट्रॉ वगैरह भी है और बाकी का सामान मैं दिखाना नहीं चाहता। अच्छा देखो वाइन, वाइन का बॉटल ओपनर, ब्लूबेरीज वगैरह भी है। इसमें वॉइस वगैरह आता शायद। मिनी बार में बियर है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, रेडबुल है, ये चॉकलेट्स है, मिंट टॉनिक वाटर वगैरह। गाइस मेन मतलब करोना भी है इसमें। करोना एक्स्ट्रा ये करोना एक्स्ट्रा। बॉटल फूटना है मुझसे। अभी सब कुछ हो गया तो पारुल ने केक वेक देख लिया, उसका केक वेक का फोटो भी निकाल दिया। अभी मैं केक खाऊंगा। मशीन है ये नेस्प्रेसो की और पीछे अभी मैंने पानी भरा इसमें, कुछ नहीं बस इसको ऊपर उठाया और इसमें पानी डाल दिया। तो पानी डाल दिया उसके साथ तो अपने को ये ऐसे कॉफ़ी के पॉड्स की ज़रूरत पड़ेगी ये बनाने के लिए। ये ऑलरेडी इसके अंदर था तो मैंने वो ले लिया। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के है तो सेम। और मिल्क मतलब मेरे को ब्लैक कॉफ़ी नहीं अच्छी लगती, इसलिए ये मिल्क का इसमें पहले कहाँ डालना है मेरे को मालूम नहीं, इसलिए मैं अपने कप में पहले डाल दूंगा। अभी कप लेते हैं, ये रहा अपना कप, इसमें डाल देता हूँ अपना मिल्क। क्या है पाउडर है क्रीम है पता नहीं, मैं गलत बना रहा कुछ तो फिर भाई कमेंट्स में बता देना, क्योंकि मैं खुद फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ और ना मेरे को कॉफ़ी का शौक है। ओके तो इसमें ऐसा क्रीम टाइप है। दिखा लेते हैं। देखा तो इसको इसमें डाल दिया। इसको यहाँ रखा, फिर इसको ऐसा किया तो ये अंदर चले जाता है, मतलब अपने को पहले इसमें डालना है ऐसा, सिर्फ ऐसा पकड़ा इस डायरेक्शन में तो ऐसा डालना चाहिए इसको।
ऐसे तो जाने के लिए जगह भी नहीं है। अभी लॉक हुआ ये प्रॉपर। तो मैंने क्या गलती किया कि इसको मैंने टाइट नहीं बंद किया, अभी इसको एकदम टाइट बंद कर दिया। इस बार थोड़ा ज्यादा भी आया, अपने सही से डाला एकदम। स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही और बहुत गरम गरम है। साइड में रख दो, चटका बैठ रहा। थोड़ा ठंडा होने देता हूँ, फिर टेस्ट करके बताता हूँ कैसा लग रहा है। दूसरा वाला, दूसरा वाला भी बनाएंगे वो पारुल के लिए। ये अच्छा वाला फ्लेवर मैं पीऊंगा। अभी का क्या प्लान है? वो बिस्किट खाएंगे, लिटिल हार्ट, फिर स्विमिंग के लिए जाएंगे, फिर होटल थोड़ा बहुत दिखाएंगे, रात को जाएंगे आसमाना। अभी हम लोग जा रहे हैं स्विमिंग। यहाँ का स्विमिंग पूल बहुत ही अच्छा दिख रहा था तो, और बाहर वेदर भी बहुत अच्छा है। शाम के 5 बजे तो ज़्यादा धूप भी नहीं होगी, ज़्यादा गर्मी भी नहीं। तो देखते हैं आप स्विमिंग पूल कैसा है यहाँ का। ऐसा लग ही नहीं रहा कि पुणे में। ऊपर से उसको देखा था। ऐसा लग ही नहीं रहा पुणे में आए हैं। एकदम नेक्स्ट लेवल लग्जरी है। स्विमिंग पूल तो बहुत ही अल्टीमेट लगा हुआ है। झाड़ वगैरह लगा है ना, तो उसकी वजह से धूप भी नहीं आ रही बिल्कुल भी। या आई मीन वी लव यू नो हाउ पाम ट्रीज मेक एवरीथिंग लुक एस्थेटिक, तो वो है। और ये स्विमिंग पूल देखिए, अभी जाके इसमें डुबकी लगाएगा। टेम्परेचर कंट्रोल तो नहीं है बस। देखो मैं तुमको स्विमिंग पूल दिखाता हूँ पूरा कैसा। ये ऐसा इन्फिनिटी पूल, और यहाँ का व्यू इतना ज़्यादा मस्त है ना कि ये होटल में आए और स्विमिंग पूल में नहीं आए तो फिर कुछ फ़ायदा ही नहीं है। मैं हमेशा ये नीचे के रोड से घूमता था तो देखता था कि नया होटल बन रहा है और बहुत ही मस्त दिख रहा, तो इसलिए हमेशा सोचता था कि एक बार तो आऊँगा ये होटल में, और आज आके बहुत ही मस्त लग रहा। डिनर भी यहाँ पे आसमाना करके एक है 18th फ्लोर पे। हम लोग पहले गए थे पर तभी कुछ फ़ोटो वोटो नहीं लिया था, तो आज जाएंगे तो फोटो तो मैडम लेंगे ही, मैडम का बर्थडे है तो देखते हैं वो कैसा है। खाना तो अच्छा ही है और व्यू बहुत अच्छा है रात का। गोप्रो में शायद इतना हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे तो इसलिए आईफोन में फोटो अच्छा आ जाता है।